नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी टुडे और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। अभियान अंचल पाली का कहना है कि अभियान प्रमुख व प्रशिक्षण प्रमुख ने पाली के सभी कार्यकर्ताओं से परेशानी है। सभी आचार्य भाई बहनों व अंचल में जातिगत भेदभाव व आए दिन कार्यकर्ताओं को हटाकर अपनी मनमानी कर रहे हैं। अंचल समिति उनके साथ मिलने पर कार्यकर्ता बात करते हैं तो कोई भी नहीं सुनता है। आगे उनके कारनामा का लेटर बनाकर भेजते हैं तो भाग संभाग समिति भी इनका निर्णय नहीं लेती है। सभी एकल के पदाधिकारियों को ध्यान आकर्षित करने के लिए अभियान प्रमुख के प्रति निर्णय लें और एकल को आगे बढ़ावा दें। भाग समिति व संभाग समिति को अवगत करवाने के लिए बावजूद भी समितियां निर्णय करने में घुसा रही है। जल्द से जल्द अभियान प्रमुख का निर्णय लिया जाए। अभियान प्रमुख और प्रशिक्षण प्रमुख, अभियान प्रमुख एक अपनी मनमानी और जातिगत भेदभाव करता आ रहा है। अंचल कार्यालय का खर्चा जो हमारी अंचल बैठक दो दिन से हो रही है, वहाँ पे जितना भी खर्चा होता था वो फर्जी बिल बना के संभाग कार्यालय को देते और उनके साथ संभाग समिति को हमने लेटर लेकर अवगत करवाया, लेकिन संभाग समिति, भाग समिति, अंचल समिति हमारा कोई निर्णय नहीं ले रही है। फर्जी बिल कौन बना के दे रहा है? अंचल अभियान प्रमुख फर्जी बिल बना के आगे पूरे कार्यालय को ले करके आगे देता है। तो नाम क्या है? कैलाश कुमार दमामी ओसिला। रिश्तेदारों की समितियाँ बनाकर आगे अपने मर्जी खुद समिति का हस्ताक्षर करके आगे भेजते रिपोर्ट और पूरी रिपोर्ट फर्जी बनाते। वो मेटल तो फर्जी बिल का तो किसी के पास तो पूर्व हो या मेरे पास तो पूरा गड़बड़ा हुआ है कि कैसे कैसे आते हैं और कैसे कैसे क्या होता है। तो मैं हमारा पूरा कार्यालय प्रमुख से हम पूरा जानकारी रखते हैं और कंप्यूटर के माध्यम से होता है वो हमारे अंचल की काम है। पहाड़ों पर बरसात के चलते जनपद हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर खादर क्षेत्र के कुछ गांवों की सीमाएं हुई जलमग्न, ग्रामीण परेशान। आपको बता दें कि बीते दिनों